हाय गाइस, दिस इज शुभम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि बीजेपी साउथ में अपनी पोजीशन क्यों नहीं होल्ड कर पा रही, क्यों उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, जबकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को जहां 30 साल लगे थे अपनी पोजीशन होल्ड करने में, वहीं बीजेपी कुछ 6 सालों में अपनी पोजीशन को बेटर कर पा रही है। हर एक स्टेट में, बिहार में, यूपी में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह, हर स्टेट में अपनी पोजीशन बेटर कर पा रही है। वही साउथ इंडिया में कर्नाटक को छोड़ के बीजेपी अपनी जो पोजीशन है उतनी बेटर होल्ड क्यों नहीं कर पा रही, इतनी बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी होने के बाद में भी। तो उसके मैं 8 रीज़न यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और अगर आपको लगता है कि वो 8 रीज़न के बाद में भी कुछ चीज़ें छूट रही हैं मेरे से, तो वो आप कमेंट में बता सकते। अब कुछ नज़र डालते हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन पे। तेलंगाना में टोटल सीट 14 थी और बीजेपी को 4 सीटें मिली। वहीं आंध्र प्रदेश में 24 और बीजेपी के नाम वहीं 0। तमिलनाडु में 39 सीट्स और बीजेपी के नाम पे 0। केरला में 20 और बीजेपी के नाम 0। अंडमान निकोबार में 1 सीट बीजेपी के नाम 0। लक्षद्वीप में 1 सीट बीजेपी के नाम 0। पुडुचेरी में 1 सीट बीजेपी के नाम 0। वहीं कर्नाटक में 28 सीट और बीजेपी के नाम पे 25 सीट्स, जो कि कर्नाटक में बीजेपी का एक बड़ा होल्ड दिखता है, एक पोजीशन दिखती है। वहीं अगर ये सारे स्टेट्स की जो सीट्स हैं उनको कम्प्लीट किया जाए तो सारी सीट्स 132 सीट्स हैं और बीजेपी के नाम पे 29 सीट्स हैं। एक बड़ा गैप यहाँ पे दिखता है, जो कि बाकी शहरों से, बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो। क्या वजह हो सकती है कि बीजेपी इतनी स्ट्रांग पार्टी होने के बाद में भी साउथ में अपनी पोजीशन नहीं बना पा रही है? आज भी अगर मोदी जी साउथ इंडिया में या तमिलनाडु में जाते हैं तो वहां से हैशटैग मोदी वापस जाओ, मोदी बाइकॉट के हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करने लग जाते हैं। फिर क्यों वहां साउथ इंडियन बीजेपी से क्यों इतनी नफरत करते हैं, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर से इतनी नफरत करते हैं, इतनी हेट करते हैं? वो ट्विटर पे जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ पे जाते हैं और ये ट्रेंड होने लगता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वन लैंग्वेज। बीजेपी अक्सर अब हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करती आई है, वो खुद भी करती है और उनके कुछ सुपर स्टार्स हैं अजय देवगन और कंगना रनौत जैसे, वो लोग भी हिंदी को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर लैंग्वेज मानते हैं। वहीं ये चीज़ तमिलनाडु के लोग, साउथ इंडियंस जो है, वो इस लैंग्वेज को इंसल्ट मानते हैं। उन लोगों के लिए ये हिंदी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, वो एज ए इंसल्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं और बोलने में भी अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं। वहाँ के लोगों के हिसाब से हिंदी लैंग्वेज उनके स्टेट की पहचान नहीं है। जाहिर सी बात है, जो आदमी जहाँ रह रहा है वो आदमी वहाँ की लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करेगा कंपेयर देन हिंदी, ठीक है। अब इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है, वन नेशन वन लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है उनका, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसकी वजह से कई बार वहाँ के लोग आवाज़ उठाते हैं, और ये सब चीज़ को देख के बीजेपी ने अपना लैक देखा और उन्होंने ये जो वन नेशन वन लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने ठंडे बस्ते में दबा के रख लिया। दूसरा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे वहाँ ये चीज़ नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही है, वो है डिवाइड एंड रूल। काफ़ी ज़्यादा शहरों में, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एग्जीक्यूट हुआ है, और ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हद तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, वो इंडिया में हो या फिर अगर ट्रंप भी अगर पावर में आए हैं, वो भी इसी मुद्दे को लेकर पावर में आए हैं। डिवाइड एंड रूल एक ऐसा मुद्दा है जिससे आप ज़्यादा वोट बैंक कलेक्ट कर सकते हो। अब आधा देश मुगलों की क्रूरता का रिवेंज मांगता है, बदला मांगता है, और लोग उसका बदला लेना चाहते हैं, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट साउथ इंडियंस में शायद मुस्लिम इतना ज़्यादा एंटर नहीं कर पाए, मुगल्स इतना ज़्यादा एंटर नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। वहाँ लोगों से पहचान करते हैं, ना कि उनके कपड़ों से। ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा सबसे मेन पॉइंट है लिटरेसी। साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के लोग किसी भी जुमले में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जैसे 15 लाख आएंगे अकाउंट में, ये सारे जुमलों से वो लोग नहीं पढ़ते, दूर रहते हैं। वहाँ के लोग प्रोग्रेस पे क्वेश्चन करते हैं, डेवलपमेंट पे क्वेश्चन करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, केरला के बीजेपी मिनिस्टर ही बोलते हैं ऐसा, बीजेपी के MLA मिस्टर राजगोपाल कहते हैं। उनका कहना है कि 90% लोग वहाँ के क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, पेट्रोल के दाम इतने हाई क्यों हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है,
इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात करने लगते हैं, तो उनका कहना है 90% लोग ऐसी बातें करते हैं। इसका मतलब साफ है कि वहाँ के वहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ पे अपनी पोजिशन नहीं बना पा रही शायद। देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बीजेपी के मिनिस्टर खुद ही कह रहे हैं। चौथा एक ये भी रीजन हो सकता है कि जो लिमिटेड सीट्स का, तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं जबकि पंजाब, जबकि यूपी और बिहार में उनसे ज़्यादा सीट्स हैं। तो बीजेपी फोकस करती है जहाँ पे ज़्यादा सीट्स हैं वहाँ पे अच्छे से मार्केटिंग कर पाती है, वहाँ पे आईटी सेल एक्टिवली काम कर पाती है उनकी आईटी सेल। वहीं तमिलनाडु में वो इतना फोकस नहीं कर पाते, मार्केटिंग पे इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है शायद। और सबसे बड़ा रीज़न है कोई एक उनके यहाँ पे बड़ा लीडर नहीं है साउथ में, जो देख रहे हो जैसे कि हमारे हिंदी लैंड मदरलैंड में तेजस्वी जैसे लोग हैं और जो बताते हैं लोगों को कि हम खतरा है लोगों का, ठीक है। अगर ऐसे ही कोई बड़ा लीडर साउथ में भी हो जो लोगों को ये बता पाए कि खतरा है हम लोगों को, तो शायद ही ये प्लान थोड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगा और बीजेपी वहाँ के लोगों से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाएगी। 6 पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे सुपर स्टार पावर, ठीक है। बीजेपी के पास में बॉलीवुड की सुपर स्टार पावर है, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनौत, ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक बीजेपी से कनेक्टेड हैं और उनके सपोर्ट में भी कभी कभी आवाज़ उठाते हैं। फिर भले वो हिंदी लैंग्वेज की बात हो, वन नेशन वन लैंग्वेज की बात हो, या फिर कोई और मुद्दा हो, ठीक है। कभी भी इन्फ्लुएंसर हर तरीके की अच्छी से अच्छी चीज़ें बेच सकता है मार्केट में, भले ही वो वोट क्यों ना हो। जिसमें साउथ में बीजेपी गवर्नमेंट पीछे है, साउथ का कोई भी सुपरस्टार आके उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा होता, या वो आवाज़ उठाएंगे तो बुरी चीज़ों के लिए उठाएंगे, गलत चीज़ों के लिए उठाएंगे, या फिर वो शांति रहेंगे। ये भी एक रीज़न है बीजेपी का साउथ में पोजीशन ना होल्ड करने का। मुझे लगता है कि एक सुपरस्टार, एक इन्फ्लुएंसर एक ज़्यादा कम्युनिटी बिल्ड कर सकता है, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है। वहीं साउथ के कोई भी एक्टर एक्ट्रेस सुपरस्टार्स ये चीज़ में नहीं दिखते। 7 नंबर पॉइंट है मीडिया। किसी भी पार्टी को ऊपर उठाने के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे इंडियन मीडिया काफ़ी ज़्यादा चर्चों में रहती है, उनको फोकस करती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही लोकल न्यूज़ चैनल साउथ इंडिया के लोकल न्यूज़ चैनल ये सारी चीज़ें प्रमोट नहीं करते, वो फैक्ट्स दिखाते हैं, एक्चुअल रियलिटी दिखाते हैं। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि वहाँ पे बीजेपी पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रही। कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं। बीजेपी हमेशा बोलती है कि वो वीर सावरकर और सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, बैगर और बसा बनना की आइडियोलॉजी की बात नहीं करते, जिससे कि वहाँ के लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। ये भी एक बड़ा रीज़न है। अगर आप उनकी उनके जो जिनसे वो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो वीर सावरकर और तुम्हारा पटेल की आइडियोलॉजी से नहीं कनेक्ट करेंगे। जितना दिमाग चाणक्य नीति ने महाराष्ट्र सरकार में लगाया है 48 सीट के लिए, अगर उतना ही ज़्यादा दिमाग अगर वो उधर के लिए लगाते तो ज़रूर कुछ होता। शायद ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं, इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें नई नई कर रहे हैं, हो सकता है डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ नया देखने को मिले। एक बार बताता हूँ, राज्यसभा इलेक्शन के लिए उन्होंने 4 नए चेहरे का नॉमिनेशन किया है। इसमें पहले आरआर बाहुबली के राइटर वी विजेंद्र, तमिलनाडु के लय राजा म्यूजिक कंपोजर जो हैं, कर्नाटका के धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े और पीटी उषा जो कि तमिलनाडु से हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी ये सब करके कैसे अपना पोजीशन साउथ में होल्ड करवाती है। कांग्रेस तो वैसे होल्ड करने वाली है नहीं, काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गई है। एक बार धाकड़ मूवी जरूर सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन कांग्रेस नहीं। देखते हैं कैसे बीजेपी क्या क्या इम्प्रूवमेंट करती है अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए साउथ में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन दबा दो, कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्या क्या फैक्ट्स और होने चाहिए थे, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू।